हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान डीपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सीआईएसएफ एलडीसी एएसआई 2020 का जो पेपर हुआ था 16 फरवरी को, उसका सामान्य ज्ञान का प्रश्न पत्र। फुल डिटेल से इसे देखेंगे और दो पार्ट में होगा ये, क्योंकि एक पार्ट में दोस्तों 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में से मैंने 48 क्वेश्चन लिए हैं, दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के तो उनको मैंने हटा दिया है। तो 48 क्वेश्चन है। पहले पार्ट में हम 25 क्वेश्चन करेंगे और सेकंड पार्ट में 23 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। डिटेल वीडियो होगा, इससे आपको नॉलेज हो जाएगी, इससे आपको पता चलेगा कि कैसा पेपर आता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है सीआईएसएफ एलडीसी एएसआई एग्जाम 2019 का पेपर, 16 फरवरी को हुआ था, ठीक है। सामान्य ज्ञान का है ये, फुल एक्सप्लेनेशन है और आप इससे तैयारी जीत की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर एक की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर एक है हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम द्वारा दोस्तों डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है, डॉक्यूमेंट फाइल बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है। तो पंचतंत्र के लेखक है दोस्तों विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। अब हम इसमें बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास की तीन पुस्तकें हैं। कालिदास की एक इंपोर्टेंट पुस्तक है कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्नि मित्रम और एक रघुवंशम, ठीक है। उसके बाद हम बात करें बाण भट्ट की। तो बाण भट्ट की पुस्तक है हर्षचरित्र और कादंबरी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद कई बार आया हुआ किसके द्वारा लिखी गई है। तो गीत गोविंद लिखी गई है दोस्तों जयदेव के द्वारा, जयदेव के द्वारा। बाण भट्ट की अभी हमने बात की थी, कादंबरी और हर्षचरित्र और कालिदास की भी अभी हमने बात की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कथन किसका है, ये किससे संबंधित है। तो ये कथन है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अच्छा, इनको नेताजी की उपाधि से भी सुशोभित किया जाता था और इनको देश नायक की उपाधि, ठीक है, देश नायक बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, देश नायक रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें बोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जय जवान जय किसान यह नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिया था हमारे द्वितीय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। 1964 से 66 तक ये हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री रहे थे और इनकी रहस्यमय तरीके से उस समय के यूएसएसआर में ताशकंद समझौते के लिए गए थे ये, इंडिया और पाक के बीच ताशकंद समझौते के लिए गए थे। ताशकंद अभी उस समय पड़ता था यूएसएसआर में और अभी पड़ता है उज्बेकिस्तान में। उस समय इनकी 1966 में मृत्यु हो गई थी। 1966 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनकी जो समाधि स्थल का नाम है वो है विजय घाट। कहां पर है? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन है सीएसएफ नॉलेज से, ठीक है। तो वरिष्ठता के क्रम में निम्नलिखित पदों को लगाना है। सबसे पहले सहायक निरीक्षक जनरल, ठीक है, महानिदेशक, इंस्पेक्टर, सहायक कमांडेंट। तो देखिए सबसे बड़ा होता है महानिदेशक यानी डीजी, ठीक है। उसके बाद होता है एआईजी यानी एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल। उसके बाद आता है एसी असिस्टेंट कमांडेंट और उसके बाद आता है इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले हो गया दो, उसके बाद हो गया एक, फिर हो गया चार और फिर हो गया तीन, यानी 21-43। 21-43 है हमारा सी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल के सदस्य पर कौन सा अधिनियम लागू होता है। तो बल के सदस्यों पर दोस्तों
पुलिस अधिनियम 1922 लागू होता है, इंसाइटमेंट टू डिसएफेक्शन, ठीक है, अधिनियम, और बाकी जो है ये लागू नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सीआईएसएफ अधिनियम इसे किसमें अधिष्ठापन की अनुमति देता है, यानी किसमें इंडक्शन की अनुमति देता है? तो ये सीआईएसएफ जो है अधिनियम दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर उद्यम में इसमें इंडक्शन की अनुमति देता है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीसीएस आचरण नियम यानी सीसीएस कंडक्ट रूल जो है 1964 कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है? तो यह है दोस्तों नियम 3C, नियम 3C में जो इनका सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित ये क्लोज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्कि किसी सदस्य को कमांडेंट यानी मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित किए गए मुकदमे के बिना अधिकतम कितने दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है? तो यह है दोस्तों 8 दिनों तक हम उसको हिरासत में रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसके आप सभी बल सदस्य हैं, उसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 1969 में, 1969 में। कौन सी शाखा बल का एक घटक हिस्सा नहीं है? कौन सी शाखा? कार्यकारी शाखा, एजुकेटिव ब्रांच है, मिनिस्टर ब्रांच है, फायर सर्विस भी है, लेकिन रख रखाव जो है ये नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल का अधीक्षण और प्रशासन किसके अधीन है, यानी बल को कौन कंट्रोल करता है? तो बल को कंट्रोल करता है एमएचए, ठीक है, एमएचए अर्थात केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सीआईएसएफ नियमों के अधीन किसको छोटा मोटा दंड दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है दोस्तों हेड कांस्टेबल से नीचे जितने भी पद है, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और अनुगामी, यानी उपयुक्त तो सभी को ये दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल्कि किसी नामांकित सदस्य को फोर्स की टुकड़ी, पोस्ट, क्वार्टर गार्ड, बिल्डिंग अथवा टेंट, जिसे गार्ड की निगरानी में रखा जाए, उसे कहते हैं, दोस्तों क्लोज अरेस्ट, उसे बोलते हैं क्लोज अरेस्ट। चलिए, भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है दोस्तों राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होते हैं? भारत में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति हैं हमारे कौन है इस समय? श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, और ये 14th क्रम के राष्ट्रपति हैं। कौन से? 14th क्रम के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 25 जुलाई 2017 में से इनका कार्यकाल स्टार्ट है। अब बात करते हैं सेनाओं में, तो सेनाओं में इस समय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो थल सेना के अध्यक्ष हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी। उसके बाद बात करते हैं आपके नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वो हैं एडमिरल करमवीर सिंह, एयर चीफ मार्शल एस आर के एस भदौरिया यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, कौन है? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ठीक है, इसके बाद एक नया पद और सृजित किया गया है CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का, वो कौन है? जनरल बिपिन रावत जी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए थे? तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए थे दोस्तों 1901 में। ठीक है, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं 1901 में। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो नोबेल, सर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट, जो डायनामाइट के आविष्कारक है। ठीक है, भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब मिला? 1913 में, लिटरेचर यानी साहित्य का। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कीबोर्ड एक प्रकार का उपकरण है। देखिए कीबोर्ड कैसा उपकरण है? देखिए कंप्यूटर में दो टाइप के, जो कंप्यूटर दो चीजों से बना होता है, एक तो हार्डवेयर,
एक होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं उसके अंदर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो चलाता है उसको कंप्यूटर को। हार्डवेयर ऐसा फिजिकल मतलब एक भौतिक उपकरण होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। तो हार्डवेयर को भी तीन भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले आप देखिए जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता हार्डवेयर एक होता सॉफ्टवेयर। उसके बाद हार्डवेयर ये क्या होते हैं, हार्डवेयर फिजिकल ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसे हम छू सकते हैं। हार्डवेयर को भी तीन भागों में बांटा जाता है, नंबर एक इनपुट डिवाइस, नंबर दो आउटपुट डिवाइस और नंबर तीन है स्टोरेज, स्टोरेज डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं ऐसे डिवाइस जिनसे हम कंप्यूटर में सूचनाओं को, जानकारियों को डालते हैं, ठीक है। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। आउटपुट जहां से हम आउटपुट लेते हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइस है। स्टोरेज जिनसे हम सूचनाओं को, जानकारियों को संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं। सीडी ड्राइव, हार्ड ड्राइव, यूएसबी, ये होती हैं आपकी स्टोरेज डिवाइस। तो कीबोर्ड कैसा, कीबोर्ड से हम सूचनाओं को कंप्यूटर में संग्रहित करते हैं, डालते हैं। तो ये कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, ठीक है, विंग कमांडर राकेश, राकेश शर्मा। कब गए थे, 3 अप्रैल 1984 को गए थे, रशियन स्पेसक्राफ्ट सोयूज T1 से, T11 से, सोयूज T11 से गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। देखिए भारत का जो सैटेलाइट है, लॉन्चिंग स्टेशन दो जगह है, ठीक है, इनको इसरो संचालित करता है। नंबर एक है आपका थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, जिसे TERL बोलते हैं, ये कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरल में है। और उसके बाद है SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है ये, ठीक है। तो इसमें कौन सा दिया हुआ आपका, श्रीहरिकोटा दिया हुआ आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इनको कौन संचालित करता है, इसरो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट में दो विकेटों, क्रिकेट में विकेट के दो सेट हैं, उनके बीच कितनी दूरी होती है। तो देखिए क्रिकेट में जो है दो विकेटों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 22 गज, या इसको हम बोले तो 20.12 मीटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, 20.12 मीटर, ठीक है, दो विकेटों के बीच की दूरी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन कर दिया गया था 1984 में, ठीक है, 1984, 31 अक्टूबर 1984 में इनकी हत्या कर दी गई थी। इन्हीं के दो सिख बॉडीगार्ड, संतवंत सिंह और बंतवंत बमवंत सिंह ने, ठीक है, इनकी हत्या कर दी थी। अच्छा, इंदिरा गांधी भारत की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, कब से कब तक रही, 1966 से 77 तक फर्स्ट टेनर में, और 1980 से 84 एसेसिनेट तक। 1971 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी समाधि स्थल का नाम है शक्ति स्थल, क्या नाम है, शक्ति स्थल। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर है, तो भारत का पहला उपग्रह है हमारे जो आर्यभट्ट के नाम पर, किसके नाम पर है, आर्य भट्ट के नाम पर। और ये 19 अप्रैल 1975 में रशिया की सहायता से लॉन्च किया गया था। पहला भारत में फैब्रिकेटेड और भारत में निर्मित है ये, ठीक है, आर्यभट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 में है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, देखिए इस समय भारत में है 28 स्टेट प्लस 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, लेकिन प्रत्येक राज्य और प्रत्येक यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट नहीं है,
भारत में इस समय वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है। नवीनतम हाई कोर्ट जो 25वां वो बना 2019 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में, ठीक है। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, वो संभालता है आपका 4 स्टेट को, ठीक है, वो 4 स्टेट को संभालता है, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और इसके साथ में मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो अधिकार क्षेत्र हो गया इसका उपरोक्त सभी। जो इसकी मेन ब्रांच है वो है असम के गुवाहाटी में, उसके बाद इसकी खंड पीठ है कोहिमा भी में है, आइजोल में है और ईटानगर में है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सुब्रोतो कप, ठीक है, सुब्रोतो कप किस खेल से संबंधित है, तो ये है फुटबॉल से संबंधित। फुटबॉल से संबंधित अन्य कप कौन कौन से हैं, डुरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप और कोलंबो कप, ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे पार्ट वन के 25 क्वेश्चन, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। और आप सभी जो भी भाई, जो भी एस्पायरेंट हैं 2019 और 2020 के CISF LDC ASI एग्जाम के लिए, वो मेरा ये टेलीग्राम चैनल ज्ञान डिपो LDC 2020, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैं जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उनकी PDF डाल रहा हूँ, आप वहां से नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन भी अब स्टार्ट कर दूंगा डालने धीरे धीरे। तो रोजाना 4-5 क्वेश्चन मैं करंट अफेयर्स के डालूंगा प्रीवियस टाइम के, तो आपको उसमें तैयारी में थोड़ा फायदा हो जाएगा। तो आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके, और दोस्तों चैनल और मेरे सपोर्ट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।